स्वाधीनता के संघर्ष जब चल रहा था उस समय नागपुर के डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जो बचपन से जन्म से प्रखर राष्ट्रभक्त रहे, उन्होंने अपने समाज के संगठित करने के लिए इस विनूतन प्रयोग का प्रारंभ किया। वो स्वयं स्वाधीनता संग्राम में भिन्न भिन्न प्रकार से सहभागी हुए थे। कोलकाता में अध्ययन करते समय क्रांतिकारियों के संपर्क में स्वयं आए, क्योंकि उसमें शामिल होने के लिए ही वो कलकत्ते में पढ़ने गए नागपुर से। क्रांतिकारी कार्य में वो जुटे रहे। देश भर के विप्लवकारी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों से जीवन भर उनका संपर्क भी रहा। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के सत्याग्रहों में उन्होंने अपने योगदान दिया, सहभागी हुए। उसी कारण से दो बार उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी। ये सब करते हुए भी उन्होंने ये विचार सोचा कि असल में हम क्यों गुलाम बने अंग्रेजों के या विदेशी आक्रांताओं के। तो इसलिए उन्होंने अपने बहुत गहरे विचार चिंतन से अपने देश को, अपने समाज को संगठित किए बिना इस देश के कोई उद्धार नहीं है।